Hello guys, welcome to RLD CAT tutorial. In this tutorial we are going to discuss about trim entities, convert entities, offset entities, offset on surface entities. ठीक है, तो ये मेरा सॉलिड वर्क के लिए है और ये भी और ये मेरा सिक्स लेक्चर है सॉलिड वर्क के ऊपर, जिसमें आप trim, कन्वर्ट एंटिटीज़, ऑफसेट एंटिटीज़, ऑफसेट ऑन सरफेस एंटिटीज़ आप देखोगे किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें एक ज्योमेट्री बनानी होगी जिसके लिए आप ट्रिम देखोगे. ठीक है, कि किस तरह से आप ट्रिम यूज कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रिम ऑल्सो. तो मैं एक पहले ज्योमेट्री बनाता हूँ. ठीक है, अभी एक ज्योमेट्री बना लीजिए जिसके हिसाब से आप जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप लाइन को वन मैं ये एक ज्योमेट्री बना लिया हूँ. ठीक है, इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमको ऐसे ही नॉर्मली करना है. तो आप ट्रिम पे जाइए, सबसे पहले आपको पावर ट्रिम दिखेगा. पावर ट्रिम ये है कि आप कहीं से भी कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. जैसे कि मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करते रहिए, करके रखिए और फिर ड्रैग कीजिए, ये डिलीट हो जाए कुछ इस तरीके से. ठीक है, अंडू कीजिए कंट्रोल प्लस जेड. इसके बाद ट्रिम एंटिटीज, इसके बाद आता है कॉर्नर. ठीक है, इसमें आप कॉर्नर बन जाएगा. आप जैसे कि देखिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कोई भी दो सेलेक्ट करना होगा आपको, दो लाइन. जैसे कि मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये लाइन, तो यहाँ पे जो है ना कॉर्नर बनेगा. आप देखिए तो बन गया कॉर्नर, ये लाइन, और यहाँ से जो है ना ये बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हट गए और ये कॉर्नर बना दिया. ये है हमारा कॉर्नर. तो ये ट्रिम अबे इनसाइड क्या है कि इनसाइड पार्ट जो है ना आपका कट होगा. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको दो आउटसाइड लाइन लेना है. ये लाइन मैंने ली है और फिर मैं ये लाइन लिया है. अब आपको इनसाइड सेलेक्ट करना है, इनसाइड जो आप कट करना चाहते हैं, जैसे कि ये, तो आप देखिए इनसाइड कट हो गई है. ठीक है, और इसमें एक आता है ट्रिम अबे आउटसाइड. अब इसमें आउटसाइड, जैसे ही ये इनसाइड का है वैसे ही आउटसाइड का होता है. इसमें जो है ना आउटसाइड पार्ट्स कट जाएंगे. जैसे ये दोनों सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो ये दोनों का जो आउटसाइड वाला पार्ट्स है ना वो कट जाएगा, जैसे कि इस तरह से कुछ. ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड कीजिए, अंडो. ठीक है, चलिए फिर एक है ट्रिम टू क्लोजेस्ट. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो क्लोजेस्ट होता है नियर वाइज जो भी होंगे लाइन्स वो ट्रिम हो जाएगा. जैसे कि इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके जो नियर ये लाइन से ये लाइन ट्रिम हो जाएगा कुछ इस तरीके से. जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये, इसको सेलेक्ट करूँ तो ये, इसको सेलेक्ट करूँ तो ये. ठीक है, इसको करूँ तो ये, इस तरह से. लेकिन ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पावर ट्रिम यूज कीजिए, क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशन एक ही साथ में हो जाएगा. जैसे आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको डिलीट करना है, बस ड्रैग सेलेक्ट करके रखिए माउस के लेफ्ट बटन को और ड्रैग करते रहिए. जो आपको डिलीट करना है बस वहाँ पे जो है ना आप ले जाइए, वो कंपल्सरी एकदम है कि डिलीट होगा ही होगा. देखो कुछ इस तरह से. ठीक है, इसमें आता है एक कन्वर्ट एंटिटीज़. कन्वर्ट एंटिटीज़ को देखने के लिए आपको एक प्लेन की ज़रूरत होगी. तो मैं आपको एक प्लेन बता देता हूँ कि आप किस तरह से प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं. ये मेरा अभी टॉप प्लेन पे है, टॉप प्लेन सेलेक्ट कीजिए, फीचर्स जाइए, रेफरेंस ज्योमेट्री का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. तो आपको प्लेन बनाने के लिए जो है ना, आप जो आपका स्केच है उससे एग्जिट जाना होगा, फिर आप फीचर में जाइए और फिर प्लेन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए. तो ये मेरा एक प्लेन बन गया. आप प्लेन के डिस्टेंस को दे सकते हैं. ठीक है, और ऑफसेट इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा बढ़िया से, बट अभी ऐसे ही देखते हैं. कन्वर्ट एंटिटीज़ के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए. अभी एक मेरा प्लेन बन गया. मैं चाहता हूँ कि ये ज्योमेट्री मेरा इस पर भी बने, इस पर सेम रहे. तो इसको सेलेक्ट करके आप स्केच कीजिए
स्पेस बटन को दबाइएगा तो ये आपका जो है ओरिएंटेशन खुल जाएगा, यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ भी मैंने सेट कर रखा है, आप भी कर लीजिए। या चाहे कंट्रोल प्लस 8 दबाइएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको इस प्लेन पे कन्वर्ट हो जाए, आप इसको सही से देखिए, ये प्लेन पे नहीं आया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे आ जाए। तो आप कन्वर्ट एंटिटीज में जाइए, लाइन सेलेक्ट कीजिए, जो भी आप एज क्या कर कन्वर्ट करना चाहते हैं, एज एंड ओके। नाउ देखिए कि ये जो ज्योमेट्री था वो यहाँ भी इस प्लेन पे आ चुका है। तो कुछ कन्वर्ट एंटिटीज इस तरह से काम करते हैं, जैसे कि हमें हेलिकल गियर बनाना होता है, कई बार ऐसा ज्योमेट्री आ जाता है कि मुझे प्लेन लेकर के फिर उसी ज्योमेट्री को अलग डायरेक्शन में इसको रोटेट करके फिर उसको लॉफ्ट करना होता है, तो ये सब भी मैं आपको बताऊँगा ब्राइफली। आप घबराइए मत, आप ऐसे इसको देखिए, आप कंट्रोल प्लस जेड जाइए, और मैं और भी जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऑफसेट एंटिटीज आपको बताना है, ठीक है। या फिर इसको आप डिलीट ही कर दीजिए, सिंपल है, इसको डिलीट कीजिए। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर रेक्टेंगल मैंने बना लिया, इसको आप ऑफसेट कीजिए, ठीक है। आप जो है ना सेलेक्ट कीजिए, और आप किस तरह से ऑफसेट करना चाहते हैं, कितना ऑफसेट करना चाहते हैं, अब वो यहाँ पे आप टाइप कीजिए। जैसे कि मैं 5 mm ऑफसेट करना चाहता हूँ, और ये लगेगा, ठीक है। ये 5 mm देख रहे हैं आउटसाइड ऑफसेट हो रहा है, आप चाहते हैं इनसाइड ऑफसेट हो तो इसके लिए भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स जो कीजिएगा तो ये इनसाइड ऑफसेट होगा, ठीक है। अब रिवर्स हटाइएगा, रिवर्स क्वांटिटी कीजिएगा तो ये आउटसाइड हो जाएगा। आप चाहते हैं कि दोनों तरफ हो जाए तो बाई डायरेक्शनल जो है ना वो आप सेलेक्ट कीजिए तो दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें है एक ये तो बेस ज्योमेट्री, ये जो है ना कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, जैसे कि बेस ज्योमेट्री मेरा ये है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन के लिए रखूँ और जो भी मेरा अगला जो ज्योमेट्री है वो मेरा मेन हो, तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे आप बेस सेलेक्ट करो ये कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन में, और ये जो दोनों ज्योमेट्री है मेरा वो मेरा सेव है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड कीजिए, सेट में जाइए, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है। अब यहाँ पे ऑफसेट ज्योमेट्री, जैसे कई बार होता है कि हमें अगर ऐसे स्केचेज होते हैं जैसे होल वगैरह करना होता है, तो उसके लिए मुझे जो है ना वो जो हम ऑफसेट करते हैं जो सर्कल को, उसको मुझे कन्वर्ट में कन्वर्ट एंटिटीज जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यूज करना होता है। तो कई बार तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बेस को अनटिक कर कीजिए, और ऑफसेट को जो जैसे ही आप ये ऑफसेट ज्योमेट्री जो आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ये रेडी हो रहा है। आप क्लिक कीजिए ओके, ये कंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी सर्कल लगा सकते हैं जैसे कि आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। इसके बाद आता है ऑफसेट ऑन सरफेस, इसके लिए मुझे एक एक्सट्रूड कमांड बताना होगा। मैं ऐसे ही एक और एक्सट्रूड कमांड आपको बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक्सट्रूड पे जाइए, फीचर, यहाँ पे आप 10 सेलेक्ट कीजिए, मेरा है यहाँ पे सिलेक्शन, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जाइए अब ऑफसेट ऑन सरफेस, इस सरफेस को सेलेक्ट कीजिए, और इस सरफेस पे आप देख रहे हैं कि ये ऑफसेट हो रहा है, जैसे कि 10 mm का चाहिए मुझे, रिवर्स चाहिए, ठीक है। ओके कीजिए, और देखिए ये जो है एक ऑफसेट हो गया है इसी सरफेस का जो कि ये बना हुआ है, जिस डायमेंशन में जैसे ही बना हुआ वैसे ही एक अनदर सरफेस यहाँ पे बना हुआ सरफेस पे मतलब बन के आ जाएगा। इसमें भी आप जैसे ही आप ऑफसेट एंटिटीज का यूज करेंगे वो भी ऐसे ही है बस, लेकिन इसमें जो है ना आप डायरेक्ट आपका जो बना हुआ रहेगा वही ऑफसेट आकर के ऑफसेट हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका इसमें बन जो ज्योमेट्री पहले से आप क्रिएट करके एक्सट्रूड किए रहेंगे वही आपका ऑफसेट हो जाएगा, और ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। कंट्रोल प्लस जेड कीजिए, क्योंकि
ऑफसेट एंटिटीज आप ऐसे इसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कर दे, शेयर कमेंट कर दे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, मुझे पता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।